नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 25 दिसंबर 2019, और कल के लिए यानी 26 दिसंबर 2019 गुरुवार के लिए अपने थ्री स्टार सेक्शन में दोस्तों मैंने तीन स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है। उसे उसके सारे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा दिए हुए स्टॉक्स मूव करे ही। यहाँ पर मैं इन स्टॉक्स में सिर्फ अपनी रिसर्च और एनालिसिस को आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट करता हूँ, जिसमें आप ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है टाटा केमिकल का। देखिए, टाटा केमिकल का ये 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट पे आप बिल्कुल देख रहे हैं टाटा केमिकल का क्या जबरदस्त तरीके से ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सेम प्राइस पे आके फिर से इसने रोका हुआ, अपने आप को होल्ड किया हुआ। तो कल अगर इसको ब्रेक करता है तो बाय का लेवल एक्टिवेट होगा, नहीं ब्रेक करेगा तो नीचे सेल का लेवल एक्टिवेट हो सकता है। टाटा केमिकल अगर ऊपर की तरफ 686 को ब्रेक करेगा दोस्तों तो बाय करेंगे, बाय अबव 686 पहला टारगेट है दोस्तों इस कंडीशन में, 691 691 रुपए का, दूसरा 696 696 रुपए का, और तीसरा 701 701 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 681 यानी 681 का। टाटा केमिकल अगर नीचे की तरफ दोस्तों 680 को ब्रेक करता है तो सेल कर देंगे, सेल बिलो 680 पहला टारगेट है दोस्तों 675 675 का, दूसरा टारगेट 670 670 का, और तीसरा टारगेट 665 665 रुपए का, स्टॉप लॉस 685 का होगा इस कंडीशन में यानी कि 685 रुपए का। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहां पे मैंने तीन तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। दोस्तों, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड को अवॉइड कीजिए, उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जिट करे तो ही ट्रेड करे, वरना ट्रेड को अवॉइड कर दे। सारे कैश के लेवल हैं, कैश के लेवल अगर ब्रेक हो रहे होते हैं तो उस वक्त फ्यूचर में जो भी प्राइस चल रहा है हमारी एंट्री वहीं पे बाइंग या सेलिंग की बन जाती है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों सिप्ला का। देखिए, सिप्ला को अमूमन मैं ट्रेड करता नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक एक पर्टिकुलर किसी पैटर्न को ये फॉलो करता नहीं है, लेकिन बहुत दिनों के बाद इसने एक पैटर्न को ब्रेकआउट दिया हुआ है बना के, इसके वजह से ये मेरी रडार पर है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्लोजिंग उसके ऊपर ही किया है सिप्ला ने, इस वजह से स्टॉक को सेलेक्ट हुआ यहाँ पर। सिप्ला अगर ऊपर की तरफ दोस्तों 480 ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय 480 पहला टारगेट 483 483 का, दूसरा टारगेट 486 486 का, और तीसरा 489 489 का, स्टॉप लॉस होगा 477 यानी 477 रुपये का। अगर सिप्ला नीचे की तरफ 474 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, यानी 474 के नीचे सेल करना है दोस्तों, और पहला टारगेट है इस कंडीशन में हमारे पास 471 471 रुपए का, दूसरा टारगेट 468 468 रुपए का, तीसरा टारगेट 465 465 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 477 यानी 477 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है दोस्तों तो अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम स्टॉक है दोस्तों टाटा स्टील का। देखिए, टाटा स्टील को मैंने पोजिशनल स्टॉक भी दिया था 440 के ऊपर, इसने एक अच्छा हाई लगाया हुआ है, 468 रुपए तक का हाई लगा दिया है वहां से, तो मुझे लग रहा है टाटा स्टील ये फिलहाल 15 मिनट का चार्ट आप देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल पैटर्न फंसा हुआ है, इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होने के बाद हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। टाटा स्टील अगर ऊपर की तरफ 465 ब्रेक कर देगा तो बाय करेंगे, बाय अबव 465 पहला टारगेट है 468 468 का, दूसरा टारगेट 471 471 का, और तीसरा टारगेट होगा 474 474 रुपये का, स्टॉप लॉस 462 होगा यानी 462 का। टाटा स्टील अगर नीचे की तरफ 460 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 460 यानी 460 के नीचे सेल करना है, पहला टारगेट 457 यानी कि 457 रुपए का, दूसरा 454 454 रुपए का, और तीसरा 451 यानी कि 451 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 463 यानी 463 का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, मैं वहां पे भी कुछ लाइव में कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। तो मेरे एनालिसिस और वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।